72 तासांची नोटीस देण्यात आली होती आणि आज अर्थातच साव्या देण्याचा शेवटचा दिवस आहे. अर्थातच हुंके अश्रू निराशाही आपण बघितली, मात्र निर्धार मात्र कॅम्पाकोला वासियांचं कुठेतरी कायम आहे. आम्ही घरं सोडणार नाही हा त्यांचा पक्का निर्धार आहे. आपल्या बरोबर काही कॅम्पाकोला वासी आहेत, काय त्यांचं म्हणणं आहे आणि आता त्यांची पुढची भूमिका कशी असणार आहे? पुढची भूमिका हेच आहे की आजचा दिवस आहे तो महत्त्वाचा असणार आहे, कारण 5 वाजेपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत चाव्या जमा करण्याचे महापालिकेने नोटीस बजावलेली आहे. परंतु जे कॅम्पाकोलावासी आहेत तेही आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत, कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही चाव्या देणार नाही असे त्यांचं मत आहे. त्यामुळं एकंदरीतच जे उद्या काही मुंबई महापालिकेकडून जे स्टेप उचलले जातील ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. आपल्यासोबत नंदिनी मेहता आहे, ज्या संपूर्णतः ह्या लिगल प्रोसेस ज्या सुप्रीम कोर्टापासून सर्व लिगल प्रोसेस पाहत आलेल्या आहेत, काय नेमकं आता राहणार आहे, कारण सुप्रीम कोर्टाने याचिका तर फेटाळलेली आहे आणि कॅम्पाकोलावासियांना चाव्या ताब्यात देण्यासाठी मुंबई महापालिकेची जी मुदत आहे ती आज संपते. जी हम लोग चाबी तो नहीं देंगे और बात ये हो जाती है, हमारा जाने का कहीं जगह नहीं है. 5 महीने से उन्होंने कहा है, हर एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बीएमसी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमको अलाउ नहीं किया, वो फरवरी 2013 में. जब अभी लास्ट 5 महीने से जनवरी से और 5 मई तक हर एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप सोल्यूशन निकालिए दोनों बैठ के, और वो इतना भी कह रहे हैं, वो दोनों का प्रूफ जो है हमारे पास मिस्टर गुलाम भानवटी जो उनके काउंसिल है और हमारे काउंसिल के बीच में हुआ है, वो बीएमसी नहीं देख रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनको सोल्यूशन अलाउ किया था कोर्ट ने. वो खाली ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यदि ऐसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से कि स्टेट इंटरवेंशन कर सकती है, क्योंकि देयर इज एब्सोल्यूट प्रूफ कि दे वर अलाउड अ सोल्यूशन. तो हम चाबी क्यों दें? और आप बोल रहे हैं 5 महीने तक आपने कुछ नहीं कहा, हमने मोहलत नहीं दिया हमें, और तोड़ने के 15-20 दिन पहले आप बोलते हो कि घर से निकल जाओ, 30 साल पुराना, 30 साल से रह रहे हैं इस घर में. किस हिसाब से लोग निकलेंगे? चाबी देके निकल के जाएंगे कहाँ? यदि उन्होंने जनवरी में कोर्ट को कह देता कि हम सोल्यूशन नहीं देंगे, वी आर नॉट इन प्रिंसिपली इंटरेस्टेड इन गिविंग अ सोल्यूशन, जो उन्होंने 5 मई को कहा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 25 दिन में आप बोलते हो कि घर खाली करो, लोग कहाँ जाएंगे? आज हम यहाँ पंडाल बनाते हैं, वो पंडाल में आके भी तोड़ना चाहते हैं ताकि हमारा सामान और बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को नहीं रह सके. ये न्याय क्यों? आज बीएमसी एक स्लम को नहीं तोड़ती है बारिश के मौसम में. Why is there a disparity of law? Because we are middle class. परंतु आता तुम्ही जर चाव्यात नाही दिल्या तर अवमान याचिका जी मुंबई महापालिका आहे ती सुप्रीम कोर्टात दाखल करू शकते. त्याचबरोबर तुमची आणखी मागणी असाल की केवळ हा पावसाळा तर किमान जाऊ द्यावं असे तरी तुमची मागणी असणार? जी हम बोल रहे हैं हमारा बारिश का मौसम 3 महीना जाने दीजिए. 5 महीने तक आपने हमको बहकाया, कहा कभी पेपर दीजिए, कभी टाइटल दीजिए, हर एक चीज दिया. आप जाके यहाँ पर हमारा कन्वेंस ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करते हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्डिंग तोड़िए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि द लैंड डज नॉट बिलोंग टू अस. वो क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? आज मोफा के तहत लैंड हमारा है. 4 महीने में यदि बिल्डर ने नहीं दिया पोजेशन के बाद में, वो डीम्ड कन्वे हो जाता है. और बीएमसी के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल अग्रीमेंट 999 लीज का किया हुआ था प्योर ड्रिंक्स के साथ, वो क्लियरली स्टेट करता है कि यदि देयर इज अ चेंज ऑफ हैंड इन द प्रॉपर्टी, ओनली इंटिमेशन नीड्स टू बी सेंड टू बीएमसी, व्हिच वी हैव डन. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो लॉज हैं, ये क्यों बीएमसी हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात, ये स्टेट क्यों नहीं देख रहा है कि दिस इज इनजस्टिस, इज इट इनजस्टिस टुवर्ड्स द मिडिल क्लास एंड व्हाई? पण आता सुप्रीम कोर्टात जर अवमान याचिका दाखल झाली तर त्यावर तुमचं काय उत्तर असेल? का सुप्रीम कोर्ट पुन्हा तुम्हाला हे सांगितलं जाईल? जी हम ये आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, वी विल डू नथिंग जो गलत है. पर हम ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या दशा है. हम वो बीएमसी हर बार हर एक जगह वो गलत रिप्रेजेंटेशन किए हैं, उनके जो पेनल्टी. खरं आहे कृष्णात, आपण बघू शकतो की आक्रमकता तर आहेच कॅम्पाकोलावासियांमध्ये. आम्ही घरं सोडणार नाही असं ते म्हणतात, मात्र निराशा किंवा कुठेतरी भीतीही त्यांच्या मनामध्ये नक्की असणार आहे. आजच्या रात्रीचं काय चित्र असणार हे बघणं आता उत्सुकच आहे. धन्यवाद कृष्णात ही माहिती दिल्याबद्दल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.